हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल इंट्राडे गाइड शिवांश बसीन में। तो गाइस, आज हम बात करेंगे कि 7th ऑफ जान को हमें निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड करके चलना है, कौन सी ऐसे ऐसे स्टॉक्स हैं जो हमें आउट परफॉर्म करा सकते हैं और मार्केट का ट्रेंड किस तरीके से रह सकता है। गाइज, मैं एक वीडियो और बनाने वाला हूँ आज, आपको 10 साढ़े 10 बजे तक वो वीडियो भी अपलोड होते हुए दिख जाएगी। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो नेक्स्ट वीक रहने वाला है वो कैसा रहने वाला है, कौन से ऐसे ऐसे न्यूज़ आने वाली है जो हमारी इस हफ्ते की या अगले हफ्ते की मार्केट को डिराइव करेगी, और निफ्टी बैंक निफ्टी का आउटलुक का पूरे हफ्ते कैसा रह सकता है। गाइस, इस वीडियो में आपको सिर्फ मैं स्टॉक्स के बारे में ही बताऊंगा, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का पूरा आउटलुक दिखाऊंगा, उसके साइड बाय साइड आपको कौन सी न्यूज़ है जिससे हमें सबसे ज़्यादा फायदा हो सकता है, और आप उस एक्सपायरी में ऐसे कौन से 2 या 3 स्टॉक्स है जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको उस एक्सपायरी में 7 से 8% तक का रिटर्न दे जाए। सो गाइस, अभी बढ़ते हैं स्टॉक्स की तरफ। जिंदाल स्टील, हिंडालको, इंडियन बैंक, टाटा स्टील, IGL, ये 5 स्टॉक्स मैंने अपनी लिस्ट में रखे हैं 7th ऑफ जैन के लिए। जिंदाल स्टील बाय करने की सलाह दी जाएगी 155-159 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस आपको 147.60 का लगा के चलना होगा। हिंडालको आपको बाय करने की सलाह दी जाएगी 213-216 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस आपको 207 का लगा के चलना पड़ेगा। गाइस, मेटल सेक्टर में अब वापस बाइंग आना शुरू हो गई है, सो मुझे लगता है ये जो स्टॉक्स मैं आपको दे रहा हूँ ये कल या परसों या 2 दिन तक तो अगर आप इसे होल्ड करके रखते हैं तो आपको अच्छे रिटर्न दे सकते हैं अगर मार्केटिंग की कंडीशन के हिसाब से चलती है तो। इंडियन बैंक बाय करने की सलाह 254-258 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस आपको 243 का लगा के चलना पड़ेगा। टाटा स्टील वापस बाय करने की सलाह 294-501 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस आपको 2479 का लगा के चलना है। IGL इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड भी बाय करने की ही सलाह दी जाएगी आपको, उसमें 281-285 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस आपको 274 का लगा के चलना पड़ेगा। गाइज, एक पावर सेक्टर के भी अब हम बात करें तो पावर सेक्टर में भी एक वापस बाइंग आना शुरू हो गई है, सो आप पावर सेक्टर में भी ध्यान दे सकते हैं कि कौन से स्टॉक्स, उसमें से मुझे एक सारे स्टॉक्स बहुत पसंद है, तो कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स भी मैं आपके साथ अगली वीडियो में लेकर आऊँगा तो उस पर भी हम ध्यान से बात करेंगे। सो गाइज, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था अपनी पिछली वीडियो के अंदर कि कौन सा रिसेशन की ऐसी मैं इंडिकेटर की बात कर रहा हूँ, जो एक ऐसा इंडिकेटर है जो बता देता है कि रिसेशन आने वाला है, वो इंडिकेटर कौन सा है, तो एक वो वीडियो आपको कल अपलोड होते हुए मिल जाएगी संडे में, और उसमें US में क्या कमेंट्री आई है, जो वहाँ के US के एडवाइज़र्स हैं, चीफ एडवाइज़र्स हैं, उन लोगों ने क्या बोला है, तो वो भी सारी बात हम उस वीडियो के अंदर करेंगे। सो गाइज, अभी मैं इस वीडियो को वाइंड अप करना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो के साथ लाइक करिए, और गाइज जैसा कि मैं आपके लिए रोज़ ऐसे पर्टिकुलर स्टॉक्स की वीडियो बनाता हूँ कि आपको कल क्या बाय करके चलना है क्या नहीं करके चलना, अगर आपको ये वीडियो से कुछ भी बेनिफिट मिलता होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको बेनिफिट मिलता है, और आप इस वीडियो को और चाहते हैं कि मैं आपके लिए बनाऊँ, क्योंकि मैं सोच रहा था कि जो ये पर्टिकुलर स्टॉक्स मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ हर दिन, वो मैं शायद हफ्ते में 2 या 3 बार ही करूँ। आप क्या चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मैं रोज़ बनाऊँ या फिर मैं वीकली बेसिस में या 2 या 3 दिन में ही बनाऊँ। और गाइज, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे जो मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ अभी 2 दिन के अंदर, उसमें आपको अच्छे से पता लग जाएगी किस तरीके से मैंने आपके लिए वीडियो डाली है और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। सो गाइज, मैं मिलता हूँ आपसे कल नई अगली वीडियो के साथ। साइनिंग ऑफ।